हाल बेहाल। मुख्य मार्केट है पूरे इलाके का। 20 साल में कोई सड़क नहीं बनी है, तो माल डैमेज हो जाता है, दीवार टूटी हुई है, बाजार बेहाल टाइप का है। नमस्कार, हाल बेहाल प्रोग्राम के तहत आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसा बाजार जिसका निर्माण 1980 में हुआ था, कृषि बाजार जिसकी शुरुआत 90 दुकानों से हुई थी। तो अभी के समय में यहाँ कितनी दुकानें हैं और क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, कि यहाँ की जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी है और यहाँ की जो सुविधाएं हैं वो कैसी है, सभी की जानकारी आज हम आपको देंगे। हम 1980 से यहाँ पे हैं। ये जो निर्माण है वो कब हुआ और कैसे और किनके द्वारा हुआ? ये 1979 में बिहार गवर्नमेंट के अंदर आता था पहले, उन्हीं के द्वारा निर्माण हुआ है। पहले 90 दुकानें बनी थी यहाँ पे, अभी तो 120 दुकानें करीब करीब हैं। समस्या एक तो आपको सुरक्षा की, बहुत ज़्यादा सुरक्षा है। एक बैंक बाजार में नहीं, पहले एक बैंक बाजार हुआ करता था बैंक, वो अभी शिफ्ट हो गया जो धाड़ी मोड़। अच्छा। इस कारण व्यापारी को थोड़ी कठिनाई आ रही है। कुछ सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, सुरक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा। एसडीओ साहब ने आश्वासन दिया है। सुरक्षा पहले से ही नहीं थी या फिर उसके पहले? बीच में थी, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व आना जाना कुछ करते हैं जैसे, तो उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। दुकान हमारा 2000 से है। बहुत समय से आप यहाँ दुकान कर रहे हैं, तो क्या लगता है पहले कैसा था बाजार और अभी कैसा है? पहले से बनस्पत अभी तो मैंने कम हो गया बाजार में, पहले के बनस्पत अभी मैंने बाजार मैंने बेहाल टाइप का। मेरा नाम अनिल गोयल है और मैं कृषि उत्पादन बाजार समिति का जो है चुनाव मेंबर हूँ। बुनियादी सुविधाएँ जहाँ तक सवाल उठता है तो वो जीरो है, मतलब उसको 1% भी हम नहीं दे सकते, क्योंकि आप सड़क की हालत आप खुद देख रही हैं। 20 साल में कोई सड़क नहीं बनी है, झाड़ू भी 20 साल में एक बार भी नहीं लगा है, शौचालय भी नहीं है और पानी के लिए अभी शायद पाइप बिछ रहा है। अब गाड़ी पार होती है तो धूल धड़का होता है, स्वच्छता अभियान का तो धज्जी उड़ाई हुआ है। तो ये जो सारी समस्या है वो इसको देख रेख करने वाला कौन है या फिर इसको कैसे मैनेज? इसको देखने के लिए ही वो कमेटी बनी थी, मगर 2000 से लेकर के 2020 हो गया। एसडीओ इसके अध्यक्ष होते हैं, सेक्रेटरी बाई गवर्नमेंट होते हैं और उपाध्यक्ष जो है वो कमेटी जो चुनाव होते हैं बाई गवर्नमेंट के, उसी में से एक उपाध्यक्ष बनते हैं जो कि गवर्नमेंट ने आज तक नहीं बनाया। चुनाव करवाया दो बार, 2007 में हुआ, 2015-16 में हुआ, दोनों बार मैं चुनाव प्रतिनिधि हूँ, मगर आज तक अधिकार बोल के कुछ नहीं दिया गवर्नमेंट ने। न यहाँ बैंक है, न गेट पे आप घुसते हैं तो गेट की स्थिति देख ही रही, क्या पोजीशन है, जब गेट भी नहीं है, दीवार टूटी हुई है, मतलब कुछ नहीं है। वो राम के ऊपर वाले के भरोसे छोड़ के जाते हैं बस, और कुछ बहुत खराब है। और ये साप्ताहिक कब बंद रहती है सर कृषि बाजार? यहाँ पर बृहस्पतिवार को बंद रहता है। कुछ मूल सुविधाएं जो जरूरत की है, पानी बिजली सब वगैरह जो है, ये शौचालय बना है लेकिन पूर्ण रूप में चालू नहीं है। और सबसे बड़ा बात यहाँ क्या ना, मजदूर पलायन कर गया, जो मोटिया मजदूर ठेला वाला पहले हुआ करता था अधिक मात्रा में, वो मात्रा घट गया। रोड थोड़ा खटपट है ना, गाड़ी अगर दौड़ते हुए घुसेगा ना तो माल डैमेज हो जाता है। और यहाँ से करीब 20-30 किलोमीटर के दायरे के गांव ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं, सारे क्षेत्र वाले तो उधर ही रह जाते हैं, इधर बहुत कम आता है, एक ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं। यहाँ पे अब कुल 120 दुकानें हो चुकी हैं और अगर समस्याओं की बात करें तो लोगों से पता चला कि यहाँ की जो उनकी अभी की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है रोड। जैसा कि दिख रहा है ये रोड काफ़ी ख़राब हो चुका है और उनका कहना है कि सामान लाने और ले जाने के समय काफ़ी बर्बाद हो जाता है, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान होती है। सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पे मात्र 2 सीसीटीवी कैमरा है। स्थिति की अगर आप बात करें तो आपको साफ देखने को मिल रहा होगा, इससे आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कृषि बाजार का हालात क्या है। जाते जाते मैं आपको बस यही कहूँगी कि अगर आप कृषि बाजार आते हैं तो आप अपने साथ एक स्कार्फ जरूर लेके आए, क्योंकि यहाँ पे डस्ट काफ़ी ज़्यादा है, आपको एलर्जी हो सकता है। इसी तरह हम आपको आगे की जानकारी देते रहेंगे, आप बने रहे द टाइम्स मीडिया के साथ। कैमरामैन विजय के साथ मैं सीमा, द टाइम्स मीडिया।
बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हाल बेहाल।